माया भाभी का फोन नहीं लग रहा है और रोहित भैया फोन नहीं उठा रहे। वैभव को कॉल लगाती हो? वैभव फोन उठाओ, फोन उठाओ। हाँ श्रेया बोलो। थैंक गॉड वैभव तुमने फोन उठा लिया। क्या हुआ श्रेया, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? वो सब छोड़ो, ध्यान से मेरी बात सुनो। जल्दी से माया भाभी के कमरे में जाओ, उनके फैन में कुछ गड़बड़ है, वो उनपे गिर जाएगा। जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। भाभी, 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 माया भाभी, भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। भाभी दरवाजा खोलो। भाभी, अब वैभव ये क्या कर रहा है तू? अरे बेचारी सो रही होगी अंदर। अरे वैभव क्या हुआ, दरवाजा खोल नहीं रहा है क्या? दरवाजा, अरे भाभी दरवाजा खोलिए, खतरा है आपको। अरे जाने दो। भाभी खोलो, अब अपना दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। कर क्या रहे हैं ये दोनों, कहीं इन्हें भनक तो नहीं लग गई हमारे प्लान की? अरे नहीं नहीं लग जाएगी भाई। अरे भाभी, भाभी से भाभी आप ठीक तो है ना? ये क्या था, ये पंखा गिरा कैसे? हाँ वही, ये पंखा गिरा कैसे? और श्रेया तुम्हें कैसे पता है पंखा गिरने वाला था? सिर्फ यही नहीं कि ये पंखा गिरने वाला है, मुझे ये भी पता है कि ये किसने किया है। माया, क्या हुआ माया? क्या हुआ? मैं लेटी हुई थी बेड पे, ये पंखा अचानक से गिर गया। वो तो अच्छा हुआ श्रेया यहाँ पे सही टाइम पे आ गई। हाँ मैं वही। अरे बहू तुम ठीक हो ना? कैसा घर है ये, पंखा ढीला हो रखा था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बहू और बच्चे को कुछ हो जाता तो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? रोहित क्या खड़ा है तू, किसी भी चोट को ना ऐसी हालत में हल्के में नहीं लेना चाहिए। जा, जा तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, सब चेकअप करवा लो कि सब ठीक है कि नहीं। हाँ भैया चलिए, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। चलो चलो भाई, प्लीज चलो। हे प्रभु, मेरे बहू और बच्चे की रक्षा करना। अलग ये फैन आज के आज ठीक करवा दीजिए, बाल बाल बच गए, न जाने क्या अनर्थ हो जाता। रिपेयर करवा दीजिए। चलिए रुकिए ताई जी, अरे फिक्र मत कर, तेरे कमरे का पंखा भी चेक करवा लेंगे। आप यहाँ रतलाम में क्या कर रही है ताई जी? आपको तो मुंबई में होना चाहिए। नहीं अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप, यू रोल मिल जाएगा आपको। ये क्या कह रही हो, ये जो आप घर वालों के साथ नाटक कर रही है ना, उन्हें बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं। मुझे आपका सच पता चल गया है जी। चले भी की तरह गोल गोल बातें मत करो, तुम तो जानती हो ना मैं कितनी भोली हूँ, मैं नहीं समझ पा रही, जो कहना है सीधे सीधे कह दो। माया भाभी के बच्चे की जान के पीछे क्यों पड़ी आप? मारना चाहती है ना आप उन्हें? ये सब भी आपने ही किया है ना? हे भगवान, ये क्या बोल रही हो तुम?
सविता मेरी बहन है, वो दादी बनने वाली है, मैं दादी बनने वाली हूँ, और मैं उस नन्ही सी जान की जान लेने की कोशिश करूंगी। छी, मेरे बारे में इतनी ओछी बात कैसे बोल सकती हो तुम? आपके मगरमच्छ के आंसू से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो आपने इतने साल मम्मी और पापा को परेशान किया, फिर भी उन्होंने आपको इस घर में, इस परिवार में आने दिया, और आप? नहीं नहीं, मैं अभी जाके मम्मी को सब सच बता दूंगी, आपका सच सबके सामने ला के रहूंगी। सच? तू मेरा सच बताएगी, पर उस सच का क्या जो तूने अपने परिवार से, अपने पति से छुपाया? क्या मतलब है आपका? मतलब 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि तूने तेरे पूरे परिवार से, अपने पति से कभी कोई झूठ नहीं बोला। तेरे पति की पढ़ाई की फीस तेरे प्यारे पापा दे रहे हैं, ये बताया है तुमने उनको? आपको कैसे पता चला? मेरी छोड़ो, ये सोचो जब तुम्हारे पति को पता चलेगा तब उसे कैसा लगेगा कि उसकी पत्नी ये सोचती है कि उसका पति निकम्मा और नालायक है। वो तो यही सोचेगा ना कि वो अपनी बीवी के पैसों से पढ़ रहा है। तब ये जो तुम्हारा एक दूजे के लिए वाला प्यार है ना, बाबू, सोना, डार्लिंग, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? समझा रही हूँ कि जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। तुमने मुझे झूठी कहा ना, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा झूठ याद दिलवा दिया। आज घर में हवन है, इसलिए अपने सीआईडी वाले दिमाग को ताला लगाओ, नीचे चल के काम करो। तब तक चलो। श्रेया, रोहित भी हमारे भाभी को लेके चले गए। तुम बताओ क्या बोल रही थी रूम में? तुम्हें पता है ना किसने गिराया? बताओ। श्रेया बताओ किसने गिराया पंखा? कुछ नहीं, चलो। श्रेया ये लो बेटा, ये पूजा के फूल ले आई, रखो। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? मैं बताती हूं, आज जो कुछ हुआ घर में उसके बाद तो किसी की भी बोलती बंद हो जाए। आज बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। माया के कमरे का पंखा ढीला था और वो बेचारी सो रही थी, चलता पंखा गिरा। माया का है? माया ठीक तो है ना? कुछ हाँ, वो ठीक है। अच्छा हुआ हम सब वक्त पर पहुंच गए, मेरा तो दिल ही बैठ गया था। ज्यादा चोट नहीं लगी, हाथ में थोड़ी खरोच आई है, पर मैंने उसे तुरंत रोहित के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। अच्छा किया दीदी, माँ की कृपा है कि कुछ नहीं हुआ उसे। ये घर में चल क्या रहा है? नमस्ते सविता जी। नमस्ते। हवन की सारी सामग्री तो आ गई ना? जी पंडित जी, सामग्री आ गई है, अब जल्द से जल्द ये हवन शुरू कर दीजिए। मुझे पूरा यकीन है मेरी बहू माया और उसके होने वाले बच्चे पे जरूर कोई काला साया है। एक के बाद एक आपदा आई जा रही है, चाहे जो हो जाए मैं माया और उसके बच्चे पे कोई आंच नहीं आने दूंगी, हर बुरी नजर से बचाऊंगी उन्हें। पंडित जी चलिए। हाँ मम्मी सही कहा, माया भाभी के बच्चे पे किसी की बहुत बुरी नजर लगी है, उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, और वो इंसान इस वक्त इस घर में हमारे बीच खड़ा है।
ताई जी। ए लड़की चुप कर, तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे पता भी है तो क्या बकवास कर रही है? एक मिनट ताई जी, आपका सच तो मैं सबके सामने लाऊंगी, लेकिन उसके पहले मुझे वैभव से कुछ बात करनी है। वैभव, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। तुम्हारे कोर्स के लिए जो पैसे मैंने दिए थे, वो पैसे मैंने पापा से लिए थे। मैं एक्स्ट्रा आवर्स काम करती हूँ और उसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो मैं पापा को दे रही हूँ। वैभव, ना तो कर सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। और ये जो बात मैंने तुमसे छुपाई है, ये बात ताई जी को पता चल गई और वो एक तरह से मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैं उनका सच सबको बता दूंगी तो वो ये बात तुम्हें बताएगी। लो ताई जी, अब आपके पास मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने वैभव को सब सच बता दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रही है श्रेया? मम्मी, ये जब से इस घर में आई है तब से कोशिश कर रही है कि माया भाभी का मिसकैरेज हो जाए। चुप कर, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? सविता, तेरी बहू का दिमाग खराब हो गया है। वैभव, वैभव तू सोच, जो लड़की अपने पति से झूठ बोल सकती है वो मेरे बारे में तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये माया से जल रही है, इसने खुद सब कुछ किया और इल्जाम मुझ पर डाल रही है। पहले अपने पति से झूठ बोला और अब मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रही है। नहीं ताई जी, आपके झूठ और श्रेया के झूठ में जमीन आसमान का अंतर है। अगर श्रेया झूठ बोलेगी भी तो किसी की भलाई के लिए, पर एक्चुअली श्रेया जो तुमने किया वो तुम मुझे बताती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। मेरी बीवी मेरे करियर में मेरे आगे बढ़ने के लिए मेरा सपोर्ट कर रही है, उसमें गलत क्या है? गलत है, ये पूरी की पूरी लड़की गलत है, झूठी है ये, झूठी। सविता देख, मैं भी तो एक माँ हूँ, तुझे लगता है मैं दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोच सकती हूँ? नहीं ना। रुकिए, अभी सबूत लेकर आती हूँ। ये देखिए, अबॉर्शन पिल का पैकेट। जिस रूम में ताई जी रह रही है उसी रूम में मुझे ये मिला है। आपको याद है मम्मी, ताई जी माया भाभी के पीछे पड़ी थी पिल का लड्डू खिलाने के लिए, उसी लड्डू में उन्होंने अबॉर्शन पिल मिलाई थी। हाँ, जो गोली खा के मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने भी बोला था कि अबॉर्शन की कोई दवाई खाई। और जब इनका ये प्लान काम नहीं किया तब उन्होंने माया भाभी के कमरे के पंखे के साथ छेड़छाड़ की, जिससे वो उनपे गिर जाए और इसका भी सबूत है मेरे पास। ये देखिए, ताऊजी की विग माया भाभी के बेड के पास मिली थी। पंखे के साथ छेड़खानी करते वक्त वहां पे गिर गई। क्या ये सच है दीदी? आप मेरी सगी बहन हैं, उसके बावजूद आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? ताई जी, हम सब आपके बच्चे हैं, आपके सामने हम सब बड़े हुए हैं, आप रोहित भैया के बच्चे के लिए ऐसा? चुप चुप चुप, चुप हो जाओ सब। श्रेया, ये विक तुम्हें माया के कमरे में मिली?
भी मैं सोचूं ये चांद बन के पूरे घर में क्यों घूम रहे हैं। जब मैंने पूछा वे कहाँ हैं तो कोई जवाब नहीं था इनके पास। ये कारनामे हो रहे थे मेरे पीठ के पीछे। अलग मैं जानती हूँ कि तुम अपने छोटे भाई को पसंद नहीं करते, जलन होती है तुम्हें उसकी खुशियों से। ये करोगे तुम उसके परिवार के साथ, ये नहीं सोचा था मैंने। क्यों किया तुमने ये सब, क्यों किया? जवाब दो, जवाब दो। ये भी तो तुम्हारा परिवार है, जो आने वाला है वो भी तो तुम्हारा पोता है। तुम्हारी दुश्मनी निकालने के लिए तुमने उस बच्चे की जान लेने की कोशिश की। छी, सब क्यों किया, क्यों किया, इसे जवाब दो। जब अपने सर पे ले लो वरना हम दोनों मर जाएंगे, फिर मैं संभाल लूंगी। जवाब दो। ताई जी झूठ बोल रही है। ताऊ जी इसमें अकेले नहीं, ताई जी भी शामिल है। हाँ, इन दोनों की मिली भगत होगी। हाँ, मेरी गलती है, मैं अपने पति को पहचान नहीं पाई। रोहित से ही कह रहा था बंटी और बबली है। ये तो बंटी बन गए पर मैं तो निरूपा रॉय बन के ही रह गई। तेरे नाक के नीचे ये कांड कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है ताई जी, अगर आपका इसमें हाथ नहीं था तो फिर आप मुझे धमकी क्यों दे रही थी? मैं तुझे धमकी नहीं दे रही थी, मैं सिर्फ तुझे चुप कराना चाहती थी। सविता ने इतनी खुशी से इतना बड़ा हवन रखा था, मैं नहीं चाहती थी कि उस हवन में कोई बाधा आए, इसलिए तुझे चुप कराने के लिए मैंने ये सब कहा। इस बारबी डॉल का दिमाग बिल्कुल सीआईडी वाला है। तेरा शक बिल्कुल सच था, माया की जान के पीछे कोई पड़ा था और वो और कोई नहीं, ये मेरा पति था। खड़े क्या हो पुत बनकर, मुंह में दही जमा के रखी है क्यों? बोलो सच्चाई क्या है, बोलो। हाँ, इसमें कविता को कुछ नहीं मालूम था, वो पिल मैं ही लेके आया था और मैंने ही लड्डू में मिलाई थी और वो पंखा उसको मैंने ही लूज किया था ताकि वो गिर जाए और तू छोटा भाई है मेरा और तुझे मेरे से सबसे ज्यादा चीज मिली है, इसलिए मुझे तेरे और तेरे परिवार से नफरत है। तुम्हारी खुशियां नहीं बर्दाश्त है मुझे। बड़े भाई नहीं होते आप मेरे तो आज मेरा हाथ उठ जाता आप पे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आप पे भरोसा किया, मेरे घर के अंदर आने दिया, लेकिन आपने फिर से मेरा भरोसा तोड़ दिया। रंजन, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, शिव माफ करने वाली गलती नहीं है। कितने साल तक आपने मुझ पे केस किया, परेशान किया, मैं सहता रहा, लेकिन आज आपने मेरी बहू और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये मैं कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं। निकल जाइए मेरे घर से। चले जाइए चीजा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी बदबू शक्ल लेकर निकल जाओ यहां से। मन तो करता है इसी हवन में होम दो तुमको। निकलो, निकलो यहां से, निकलो यहां से, निकलो। सविता, इन्होंने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर तू कहे तो मैं भी उनके साथ घर छोड़कर चली जाऊं। नहीं नहीं दीदी, जो हुआ उसमें आपकी क्या गलती है? छोड़िए अब इन बातों को, हवन शुरू करते हैं, चलिए। अब
अपने पति की बलि तुम्हारे हवन में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि तुम सबको बर्बाद करने के लिए की है। शुभ लाभ।